हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग का जो गुडलक मॉड्यूल होता है दोस्तों, उसके अंदर एक मॉड्यूल होता है साउंड असिस्टेंट का। दोस्तों उसके अंदर एक नया अपडेट आया और कुछ नए फीचर को वहां पर एड ऑन किया गया है। क्या नया अपडेट है, क्या नया फीचर एड ऑन किया गया है, आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा तो ही आप समझ पाएंगे। तो चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी अरोड़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल टेक में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ साउंड असिस्टेंट के नए अपडेट के और नए फीचर के बारे में। तो उसके लिए मैं आपको ले जाता हूँ यहाँ पर गैलेक्सी स्टोर में। गैलेक्सी स्टोर में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ थ्री डॉट्स पे और यहाँ जाना है अपडेट्स पे। अपडेट्स में जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक नया अपडेट मिल रहा होगा साउंड असिस्टेंट का। अगर आपको यहाँ पर ये अपडेट नहीं मिल रहा तो आपको अपने मोबाइल की जाना है ऐप में जाना है, गुडलॉक ऐप में जाना है आपको। यहाँ जाने के बाद आपको यहाँ फैमिली वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ जाएंगे तो आप देखेंगे साउंड असिस्टेंट का एक नया अपडेट मिल रहा है। उस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको वहाँ पर ले जाएगा। तो ये अपडेट कब आया है ये आप देखेंगे, ये अपडेट कब रोल आउट किया गया है, 4 तारीख के मतलब आज ही के दिन इस अपडेट को रोल आउट किया गया है जो कि 20.57 MB का। और यहाँ पर क्या लिखा गया है, जब तक मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे क्या नई चीज़ दी गई है, इम्प्रूव विजिबिलिटी ऑफ EQ पैनल इन डार्क मोड। इक्विलाइजेशन जो पैनल था डार्क मोड के अंदर, उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी तो उसको वहां पर उन्होंने रेक्टिफाई कर दिया है। अब उसकी प्रॉब्लम मतलब वो आपको विजिबल बहुत अच्छे से होगा EQ पैनल इन डार्क मोड पे। और यहां पर क्या किया है, एडेड डिफॉल्ट एक्टिवेशन ऑप्शन टू वॉइस चेंजर फीचर। वहां पर आप डिफॉल्ट में कुछ वॉइस चेंजर का फीचर को एड ऑन किया गया है। तो इसको होने देते हैं इंस्टॉल या अपडेट, अपडेट के बाद देखते हैं कैसे ये फीचर यूज होंगे और कहां ये आपको मिलने वाले हैं। तो इसको होने देते हैं। तो फाइनली दोस्तों ये इंस्टॉल हो चुका है या फिर बोल सकते हैं डाउनलोड हो चुका है। यहाँ सबसे पहला क्या नया फीचर दिया गया, इम्प्रूव विजिबिलिटी ऑफ EQ पैनल इन डार्क मोड। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको कर लेता हूँ डार्क मोड में, ताकि अपन इजीली समझ सके कि क्या प्रॉब्लम थी और क्या उसको सही किया गया है। इसके बाद आपको कर लेना है इसको ओपन। ओपन करने के बाद आपसे ये परमिशन मांगने वाला है, तो आपको इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ओपन करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ नीचे जाएंगे, सबसे नीचे आपको मिलेगा साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट वाला ऑप्शन। यहाँ पर जाएंगे तो आपको इक्वलाइजर का ऑप्शन मिल जाएगा। बाय डिफॉल्ट ये नॉर्मल पे रहता है और आपको इतने सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो सबसे पहला फीचर यही है कि यहाँ पर जो भी इसमें कुछ बग्स होंगे उसको क्लियर कर दिया गया है। अब डार्क मोड पे आप इसको इजिली यूज कर सकते हैं, मतलब कोई फीचर नहीं है, बस फालतू की चीज है यहाँ पर, तो इसको कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको मैं हटा देता हूँ। उसके बाद दोस्तों मेन फीचर पे आते हैं, तो मैं इसको पहले तो कर लेता हूँ नॉर्मल मोड पे ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। मैं इसको कर लेता हूँ लाइट पे, ठीक है। अब मैं आ गया हूँ यहाँ पर, आपको वापस ले जा रहा हूँ ऐप पे। यहाँ पर आप देखेंगे जो सेकंड जो फीचर है काम का फीचर यहाँ पर, वो है कि एडेड डिफॉल्ट एक्टिवेशन ऑप्शन टू वॉइस चेंजर। मतलब आप वॉइस चेंजर में जो भी वॉइस को जो भी आप चेंज करना चाहते हैं उसको डिफॉल्ट में सेट कर सकते हैं, जहां भी आपका माइक यूज होगा तो वो वॉइस चेंज होके काम करेगा। कैसे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने इसको ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर आ गया वॉइस चेंजर पे। वॉइस चेंजर पे आप देखेंगे आपको एक नया ऑप्शन मिलेगा, ऑलवेज यूज वॉइस इफेक्ट, जो कि पहले नहीं आता था। अभी अभी ये ऑप्शन को रोल आउट किया गया, बोल सकते हैं इस फीचर को एड ऑन किया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस फीचर में क्या है, व्हेन ऐप स्टार्ट यूजिंग द माइक्रोफोन यू विल गेट अ नोटिफिकेशन थ्रू विच यू कैन यूज वॉइस चेंजर इन रियल टाइम और वॉइस इफेक्ट विल बी अप्लाइड व्हेनेवर द माइक्रोफोन ऑन यूज। ये जो इफेक्ट है जब भी माइक्रोफोन यूज होगा ये ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा, इसका ऐसा कहना है। तो मैंने यहाँ पर इसको ऑन कर लिया, ऑन करने के बाद लाइक मैंने यहाँ पर पहले ये वाला वॉइस लगा दिया। तो आप देख रहे हैं ये वाला वॉइस को मैंने सेट कर दिया और ऊपर आपको डिफॉल्ट में टिक गया होगा। अब इसको मैं यूज करके बताता हूँ कैसे। मैं यहाँ पर खोल लेता हूँ वॉइस रिकॉर्डर वाली एक ऐप को ओपन कर लेता हूँ। मैंने ये वॉइस रिकॉर्डर को ओपन कर लिया। अब मैं यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो मैंने अभी लिटिल गर्ल्स वाली आवाज़ सेट करी थी। तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप, मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। ओके, तो मैंने अब इसको पॉज कर लिया और अपन इसको अब सुनते हैं, ठीक है। अब मैंने इसको तो आप देख सकते हैं दोस्तों वॉइस चेंजर की आवाज़ कैसी आई है जो कि मैंने वहां पर सेट करी थी। मैं दोबारा वहीं पर वापस जाता हूं और अब इसकी जो वॉइस चेंज की आवाज़ है मैंने यहां पर चेंज कर दी। अब मैंने ये वाली आवाज़ यहाँ पर सेट कर दिया। आप देख रहे होंगे इस आवाज़ को मैंने वापस सेट कर दिया। मैं वापस जा रहा हूँ और यहीं से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने वापस प्लस करा तो दोस्तों अब मैं यहाँ से इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो दोस्तों मेरे वीडियो को दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हो सके तो साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। अब मैंने इसको वापस पॉज कर दिया और अब मैं इसको यहां से प्ले करता हूं जहां से मैंने अभी रिकॉर्ड करा था। दोस्तों मेरे वीडियो को दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तो अब ये दोनों की आवाज देखो जो पहले वाली थी। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। ओके दोस्तों, मेरे वीडियो को, दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना। तो आप देख रहे होंगे दोनों में वॉइस अलग अलग आ रही। ऐसी अगर अब मैं कोई दूसरी वॉइस करता हूँ, मैं सारी वॉइस नहीं बताने वाला, एक नॉर्मल सी वॉइस और कर लेता हूँ यहाँ पर, जिसमें This is a sound test. अब इसमें वॉइस ब्रेक होती है, तो मैंने ये वाला यहाँ पर सेट कर लिया। ठीक है, अब मैं आ गया हूँ, फिर दोबारा स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों मेरे चैनल, तो वीडियो को कमेंट करना ना भूले, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूले और कमेंट करना ना भूले। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अब मैंने वापस इसको पॉज करा और मैंने जहां से इसको रिकॉर्डिंग करा था वापस इसको यहां से प्ले करता हूं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पर आप वॉइस इफेक्ट चेंज कर सकते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है अगर आप इसको कहीं भी यूज करेंगे तो यही यूज होने वाला है। तो एक बार इसको ट्राई करते हैं व्हाट्सएप के अंदर। अब मैं आ गया हूं यहां पर व्हाट्सएप पे, मैं अपना किसी भी चैट को ओपन कर लेता हूं। तो यहां पर मैंने अपनी वॉइस चैट को खोल लिया और यहां पर इसको रिकॉर्डिंग करके देखते हैं। तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग सही होंगे। तो थैंक यू। तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग सही होंगे। मतलब आप देख रहे हैं ये व्हाट्सएप पे भी काम कर रहा है, मतलब कि जहां जहां माइक्रोफोन यूज होगा वहां वहां ये इफेक्ट वाला फीचर काम करेगा, जैसा कि उसमें लिखा भी हुआ है। आप यहां पर देखेंगे उन्होंने साफ साफ कहा है कि जहां जहां, जैसे मैं इसको ऑफ करता हूं तो आप यहां पर देखेंगे लिखा हुआ है वॉइस इफेक्ट विल बी अप्लाइड व्हेनेवर द माइक्रोफोन इन यूज। जहां जहां माइक्रोफोन यूज होगा वो ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। अगर आपने इसको ऑन करके रखा होगा तो वो ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। जहां जहां आप यूज करेंगे वैसे वैसे साउंड वहां पर आएगा जैसा आप यहां पर चूज करेंगे। तो कमाल का ये वाला नया फीचर एड ऑन किया गया है। उम्मीद है कि दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है दोस्तों मेरी वीडियो कुछ कमी तो मुझे डिसलाइक कर सकते हैं दोस्तों, और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो में क्या कमी लगी। और सबसे जरूरी चीज दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियो को देखते तो हैं पर मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज यार मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में नोटिफिकेशन वाला आइकन जो दिख रहा है ना बगल में उसको दबाना भी ना भूलें, ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आए। और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो करना भी ना भूलें, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।